ओम शांति। तो संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ड्रामा अनुसार जो स्थान बाबा ने बताए, अचलगढ़ और दिलवाला मंदिर, ये दोनों ही हमारे ही यादगार है। जब दिलवाला बाप को अपना बना लिया तो फिर हलचल में नहीं आते, अर्थात अचल हो जाते। नहीं तो बाबा कहते हैं, पाकिस्तान से आबू में आना ये तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता था ना। लेकिन ड्रामा में यादगार नहीं था तो कैसे पहुंच गए? माउंट आबू ये यादगार होना था, इसीलिए वहां पे पहुंच गए। अपने ही यादगार को देख हर्षित होते रहते हो। अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी चीज को हिलाते रहो तो मेहनत भी और मुश्किल भी, सीधा रख दो तो वह सहज है। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा हलचल में आना कितना मुश्किल होता है, और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कितना सहज होता है। अभी हलचल में आना पसंद ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा खल्प हलचल में आते थक गए ना। तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, धन की भी हलचल, तन से भी भटकते रहे। कितने कर्मकांड किए, तीर्थ यात्राएं की, जप तप उपवास, क्या क्या नहीं किया भगवान को ढूंढने के लिए। तो तन से भी भटके, मन को भी कितना भटकाया कि यहाँ वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, और धन भी कितना लगाया। तो बाबा कहते हैं, आधा कल्प तन मन धन सब हलचल में, तन से भी भटकते रहे ना। कभी किस मंदिर में तो कभी किस, कभी किस यात्रा पर तो कभी किस यात्रा पर, और मन परेशानियों में हलचल में आते रहा। और धन में तो देखो, कभी लखपति तो कभी कखपति। तो अनेक जन्मों की हलचल का अनुभव होने के कारण अभी अचल अवस्था अति प्रिय लगती है। ऐसे भी हलचल में कोई चीज होती है तो वो दिखाई नहीं देती है स्पष्ट रूप से, न उसमें से कुछ निकालना सहज होता है, न ही कुछ दिखना सहज होता है, अर्थात परखना और निर्णय करना बिल्कुल उस समय धुंधला हो जाता है। परंतु जैसे ही वो चीज स्थिर हो जाती है तो परखना भी सहज और निर्णय भी सहज हो जाता। तो अचल अवस्था इसीलिए हमें अति प्रिय लगती है। हलचल बहुत की ना, 2500 साल। इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है। दूसरे सब बेचारे बहुत भटकते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें रहम आता है अभी दूसरों पर, क्योंकि हम उसमें से गुजरे हैं ना, तो एम्पैथी होती है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल, सदा हरेक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है, या क्यों क्या उत्पन्न है। आप सब का विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानी का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि विश्व कल्याणकारी आत्मा के लिए तो सभी के प्रति समान रूप में रहम भाव होगा, दया भाव होगा, कल्याण की भावना होगी। तो कभी उसके साथ में कंपटीशन में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ग्लानी ये तो उत्पन्न ही नहीं होगा ना, क्योंकि कोई सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो खुशी होगी कि अच्छा है, ये भी आगे बढ़ रहा है। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो ना सभी, कहे हाँ जी बाबा, या बाबा पूछ रहे, या कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव आता तो नहीं है अपने अंदर कहीं सूक्ष्म में भी? चेक करें, और यदि थोड़ा भी होगा तो आज उसको निकालने का दृढ़ संकल्प कर लें।
बस सदा कल्याण का भाव हो, डबल अंडरलाइन। बाबा ने कहा सदा हमारे अंदर सभी के लिए कल्याण का भाव हो, अर्थात विश्व कल्याण की भावना हो। अच्छा, कल नेक्स्ट मुरली सुनेंगे 7 मार्च 1993 की संपूर्ण पवित्रता पर। अच्छा, ओम शांति।